देखिए रोटी कपड़ा मकान ये तीन गो हम एकदम सुदृढ़ करबे करबे, चूंकि आज हम 600 के आसपास इंदिरा आवास जिसको हम मतलब प्रधानमंत्री आवास कहते हैं उसमें हम 600 आवास के लक्ष्य के काका खींचने छे। लोग दिग्भ्रमित करै छथिन हमरा जनता के, लेकिन आब पहले ही हम बता दिए कि डिजिटल इंडिया है, सब कुछ दिखता है भाई। हमें जे नई चीज जाने छे वो आज के डेट में तनिगो बच्चा जाने छे। रहले स्वास्थ्य के खिस्सा में, तो स्वास्थ्य जमीन अगर मुहैया होगा तो हर वार्ड में हम चाहते हैं एक एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बने, लेकिन एकाक जगह हमको जमीन मौखिक मिला है और हमको लगता है कि हम उस मुकाम पर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और हम 11 वार्ड में हमारा सपना है जो स्वास्थ्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिट न्यूज बिहार, मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेवाक सच के साथ। त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का माहौल चल रहा है और प्रखंड क्षेत्र मंसूरचक में 8 दिसंबर को मतदान होना है, साथ ही 10 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। कल यानी 6 दिसंबर से प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशी अपनी ताकत पूरी तरह चुनावी मैदान में झोंक चुके हैं। आप मेरे पीछे जन सैलाब देख सकते हैं, यह जन सैलाब निवर्तमान मुखिया निरंजन कुमार ईश्वर का है और निरंजन कुमार ईश्वर इस पंचायत में अपना पंचवर्षीय कार्यकाल समापन कर पुनः इस बार फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में मुखिया पद से उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं। तो अभी हम आपको जहां मौजूद हैं, यह बहरामपुर पंचायत का हिस्सा है और मंसूरचक प्रखंड का अंतिम छोर बहरामपुर पंचायत है। हालांकि बहरामपुर पंचायत थाना क्षेत्र बछवाड़ा का हिस्सा है और प्रखंड क्षेत्र मंसूरचक का है। हम बहरामपुर पंचायत की एक एक भौतिक स्थिति से आपको अवगत करवाएंगे और साथ ही हम निवर्तमान मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रत्याशी निरंजन कुमार ईश्वर से बात करेंगे कि आपके पंचवर्षीय कार्यकाल में बहरामपुर पंचायत में विकास कार्य कितने हद तक हुआ और यदि फिर पुनः आपको सफलता मिलती है तो इस पंचायत में विकास कार्य कितने हद तक होगा। सर्वप्रथम बिटनिज बिहार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बहुत बहुत आभार दीपक जी, आपने यहाँ तक चल करके आप यहाँ आए मेरे साक्षात्कार के लिए। मैं पुनः आपका और आपके बिटनिज बिहार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। निरंजन जी, आपका पंचवर्षीय कार्यकाल समापन हो चुका है, पुनः इस बार फिर आप चुनावी मैदान में हैं। आपके पंचवर्षीय कार्यकाल में इस पंचायत में कितना विकास कार्य हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हम अपना जनता भगवान के जो हमारे साथ मध्यम वर्गीय और निचले मजदूर और किसान का जो हमारे साथ पिछले 2016 में जो हमको आशीर्वाद बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लिए, तो हमने सबसे पहले अपने जनता भगवान के मान सम्मान के लिए खड़ा 24 घंटा रहने का काम किया और साथ ही साथ जो सरकारी गाइडलाइन था उसके हिसाब से हमने सारे वार्डों में 36 योजना सिर्फ वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा करने का काम किया। और रही बात मनरेगा, उसके बाद पंचायती राज का जो मेरा हिस्सा था उस व्यवस्था के तहत सोखता नाला, मतलब कितना हमको लगता है 100 के आसपास योजनाओं पर हमने कार्यान्वित करने का काम किया है। और आज मैं फिर अपने जनता मालिकों के बीच वोट मांग रहा हूं और अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ सब तैयार हो करके और हमारा बैच बैनर लगा करके हमको लगता है हमारे हौसला अफजाई में आए हुए हैं। और निश्चित रूप से हमको भरोसा है कि 8 तारीख का जो मतदान होगा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी जनता भगवान लेंगे और ले रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता भगवान, आपने जिस तरह से विगत पिछले बरस हमको 2016 में जो आशीर्वाद दिया था, आपका यह बेटा निश्चित रूप से 24 घंटा आपके लिए मान सम्मान के लिए और विकास के लिए अपने पंचायत का जो मेरा बचपन से सपना था जो मैं भी अपने पंचायत में कुछ करूं, तो मैं उस नक्शे कदम पर अपने अंदर आत्मसात करते हुए
धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमने एक खाका खींचा है और विकास के गति में दो कदम चलने का कोशिश किया है और मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस बार फिर हमको पुनः अगर मौका देते हैं, जनता भगवान, चूंकि जनता ही भगवान होते हैं, मतदान तो उनको करना है, हमने तो सिर्फ नामांकन करके उनके बीच आ गया हूं। और हमको लगता है जिस तरह से आप दीपक जी पूरे भ्रमण कर रहे हैं हमारे पंचायत में भी, हमको लगता है कहीं ना कहीं आपको हम देखते हैं, तो आज आप मेरे पास आए हैं तो हमको लग रहा है कि आपको जरूर हमसे ज़्यादा, क्योंकि आपको तो विरोधी भी मिलेंगे सपोर्टर भी मिलेंगे, और हमको लगता है जो आप निश्चित रूप से आपके मन में शुभ संकेत पैदा हुआ होगा और हमको जनता भगवान आशीर्वाद देने के लिए 8 तारीख का तत्पर है कि निरंजन के ही एक बार फिर देखो यहाँ शुद्धा मुखिया नहीं मिलता। आप अपने क्रियाकलाप को लेकर, अपने कार्यों को लेकर लगातार सवालों के घेरे में रहे हैं, इस पर अपना क्या कहना होगा? देखिए अभी तो इतना अपारदर्शी हो गया है, जो 7 निश्चय हो या पंचायती राज व्यवस्था हो, सरकार के मुलाजिम तो निश्चित रूप से हमारे पीछे लगे ही रहते हैं, और इतना न बंधेज है कि हमको लगता है जो 2-4 रुपया भी इधर से उधर कोई नहीं कर सकते, और सभी काम तो हमको लगता है जो वार्डर के बगैर तो हर सभी वार्डर तो मेरे हैं ही नहीं, मेरे भाई तो नहीं हैं, लेकिन व्यवहार से उनको हम भाई अपना चाचा मान करके, और पंचायत के सर्वांगीण विकास में, चूंकि दीपक बाबू आप जानिए कि कहीं न कहीं कोई न कोई दल से विशेष से आते हैं, लेकिन पंचायत में कोई दल नहीं हम मतलब समझते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हर जाति हर धर्म से और हमको लगता है हर पार्टी से भी सभी लोगों का जुड़ाव रहता ही है, तो हम हमारे तो सब थे नहीं, लेकिन हमने अपने व्यवहार से मतलब वार्डर के साथ लेकर के वार्डर्स के साथ लेकर के जो भी अपना भी अगर कोई काम किए, अपना भी राशि अगर, अपना घर का भी राशि अगर कोरोना काल में हमने लगाने का काम किया, तो उसमें भी वार्डर के विश्वास लेकर के वार्डर्स सारे 11 वार्ड मेरे यहाँ है, सभी लोगों को लेकर के एक एक योजना पर पारदर्शी तरीका से, क्योंकि वार्ड क्रियान्वयन समिति बनता है उसमें 7 सदस्य टीम रहता है, तो हमको लगता है 1 का मिला लेंगे 2 का मिला लेंगे और ऊपर BDO साहब, SDM साहब, यहाँ CO साहब, सारे लोग, और सबसे बड़ी तो हमारे जनता भगवान, और हमने डंका के चोट पर कहे कि आप हमको 10 बोरा अगर आपका ज़्यादा भी लग जाएगा तो आपका जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है और जो एस्टीमेट है उसको फॉलो करते हुए हम अगर 6 इंची ढालने का काम है, 5 इंची ढालने का काम है नाला या सड़क, तो उसको 6 इंची ढाल करके आइए, हमको यह नहीं सुनना पड़े किसी जनता भगवान से जय हैया यो मुखिया दू नमरा काम कल के, हम ई सुनने के लिए कतई पसंद नहीं किए, और सभी वार्डों में हम समान सिर पहुंचा देते थे, क्योंकि हम कितना काम करते भाई, 2 साल ही तो काम किया, 1 साल वार्ड क्रियान्वयन संचालित ही नहीं हो सका, तो सरकारी ऊपर से दबाव भी था, और हम पहली बार मुखिया बने थे तो हम जनता के भगवान के बीच मेरे पास कोई पूंजी नहीं, न जाति का पूंजी, न कोई भेदभाव का पूंजी, तो हम तो सिर्फ जनता भगवान के बीच कामे का जत्था लेकर के जाते, जो काम हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और किए हैं, और पुनः मैं वादा दिलाता हूँ कि 1,00,000 दिक्कतें आएगी, आपके साथ हम कदम ताल मिला करके, आप जमीन दे दीजिए और हम काम निश्चित रूप से धरातल पर उतारने का काम करेंगे, आने वाला भविष्य में इतना खाका तैयार कर दिए हैं, या गुमान से नहीं स्वाभिमान से, चूंकि हमारे कर्मी भी हमको समझ में नहीं आता है, चूंकि अभी सब काम डिजिटल हो गया है और पोर्टल पर चढ़ाना पड़ता है, तो हमको इतना भी प्रखंड के या हमारे अंदर जो एक्जीक्यूटिव है या जो भी कर्मी है पंचायत के, सारे मिलजुल करके और वार्डर्स के से फीडबैक लेकर के टोटल योजनाओं को सजा करके रखे हुए हैं, जाकर मतलब इस बार 21 में हमको अगर हमारे पक्ष में जनता भगवान हमको मुखिया बनाते हैं तो फिर उसी तरह मिल बैठ करके हर वार्डों में जो मेरा बच कुछ गया है काम,
तो उसको हम निश्चित रूप से अपने हाथ से संचालित करने का काम करेंगे और जनता भगवान के तो विश्वास निश्चित रूप से जब तक नहीं रहेगा तो एको एक डेग नहीं हम बैठ सके छे। तो जनता तो सर्वोपरि छे, चूंकि जमीन उनका, मकान उनका, अगर एगो ईंट भी उनको तोड़ करके एक इंची बढ़ाना होगा तो वही तोड़ेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर आपका क्या फोकस रहेगा? देखिए दो इस बरस तो ये पंचवर्षीय में तो हमको लगता है शिक्षा चौपटे हो गया पूरा बिहार के। हमरो और बाल बच्चा है पढ़ने लिखने वाला, सब ऑनलाइन क्या पढ़ता है कि टीवी में मोबाइल देखता है, हमको भी पता नहीं, ये सब आदमी को पता है। लेकिन हमने जब हुआ इस बार भी तो हम एक के निवेदन किए, चूंकि हमको शिक्षक बहाली करने का हमको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो भी शिक्षक थे हमारे युवा भी बहुत साथी थे, तो हम उनको एक के बात कहे जब भाई हम तोरा कोई दोहन शोषण नहीं, हम तोहर चाय भी नहीं पीबो, लेकिन हमरा जे भी गरीब गुरबा के बच्चा अतः तोरा स्कूल में ओकरा बढ़ चढ़ के ओकरा पढ़ाई हो आ नहीं तो तुम्हार युवा छो, हमू युवा छे, तोरा साथ छे। हमर जितना भी टीचर हमरा बारामपुर पंचायत के रहथिन या बाहरों के हमरा पंचायत में जे छथिन, उनका हम अपना प्यार मोहब्बत दे के उ पढ़वे के काम बहुत सुंदर तरीका से। और सबसे बड़ी बात तो सब जानते हैं, जो भी राशि खाने पीने के लिए बच्चा का आता है तो उसमें पहले कुछ से कुछ होता था, चूँकि चंदा चुटकी भी होता था। हम उनको एक एक बात कहे जो है बढ़ चढ़ के एक किलो बेसी घट जो तो हमरा से ले लिए, हम अपन राशि से केना तो गिट्टियों बालू बेच के न, चूँकि हमको विरोधी भी कहता है गिट्टी बालू बेचता है, तो हम भाई कहे छुपल रहेंगे। हमरा तो पैसा पहले से था 2000 हमको लगता है 9000 से हम जेसीओ भी खरीदे और यही सब मेरा पैसा ही था। तो हम जनता भगवान और हमारे टीचर्स महोदय जितने भी थे सबको विश्वास में लेकर के तो अच्छा पठन पाठन के तैयारी में हम लगे, लेकिन 2 साल कोरोना काल के चलते कुछ चौपट हुआ है। लेकिन इस बार हम मन में रखते हैं, अभी तो कुछो बोलबे दीपक बाबू तू लगता है कि चुनावी बात छे, चूंकि एकागो विरोधी देख लिए हैं जे मैं लोग कंपनी करते पीएफ का काम या जे सरकार करते वो हमरा आर के पंचायत नहीं कह सके छे, हमरा जे पंचायत के राशि मिलते ओकरे हम उपयोग सदुपयोग कह सके छे। लेकिन यहाँ बढ़ चढ़ के देखे छे जे कते लोग की अपन चुनावी घोषणा पत्र दिलखिन हैं, हमें वही पर नहीं जाए छे, चूंकि हम विरोधी के बात अपन विरोधी जानता। हमरा अगर जनता भगवान बनैत हूँ तोरा चैनल के माध्यम से बतबै छियो तो हमें जे छै से गरीब गुरबा के जेकरा विधवा या हम रोजमर्रा करने वाले हैं, तो हम संजोग से हम हमारे बगल के भीखमचक पंचायत में एगो स्कूलो हम अप्रत्यक्ष रूप से चलवाबै छियै गरीब गुरबा खातिर, तो ओहिमे अभियो 10-5 गो बच्चा निःशुल्क पढ़े छे, वो पता कर लियो। आप लोग तो मतलब नीचे से भी खंगाल सकते हैं, और हमें वादा दिलवे छे तोरा चैनल के माध्यम से जे जकरा फीस नहीं पूर्त है, जे विधवा हमरा पंचायत के होती उनका बच्चा खातिर हम निःशुल्क पढ़ाई के व्यवस्था करबे। रहले सरकारी बात तो उस स्कूल में भी हम अपन हर स्कूल में 8 स्कूल में हम अपना कहीं सोखता कहीं अपना ईटे से या कहीं पेवर का लगाने का सौंदर्यीकरण करने का हमको शिक्षक बहाली करने का अधिकार दीपक बाबू नहीं है, और निश्चित रूप से हम चाहेंगे जे छथिन उनके से गुणवत्ता पूर्ण, चूँकि शिक्षा ऐसा चीज है करत करत अभ्यास से जरमत हो सुजान, चूँकि उनको तो एक काम करना है पढ़ना और पढ़ाना, तो वो कमजोरो छथिन तो निश्चित रूप से वो किताब कॉपी के काम करथिन, तो हम समझै छियै जे बढ़िया से बढ़िया शिक्षा हमरा पंचायत के बेहतर होते। हम अपन निवेदन करके उनका आर के की कहै छै अपना हिसाब से चलेबै, यह हमरा कहना छै। अगर प्रथम प्राथमिकता अगर आप सफल होते हैं तो इस पंचायत के लिए आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए रोटी कपड़ा मकान ये 3 गो तो हम एकदम सुदृढ़ करबे करबे, चूँकि आज हम 600 के आसपास
इंदिरा आवास जिसको हम मतलब प्रधानमंत्री आवास कहते हैं, उसमें हम 600 आवास के लक्ष्य के काका खींचने छे। लोग दिग्भ्रमित करै छथिन हमरा जनता के, लेकिन आब पहले ही हम बता दिए कि डिजिटल इंडिया है, सब कुछ दिखता है भाई। हमे जे नई चीज जाने छे वो आज के डेट में तनी गो बच्चा जाने छे। रहले स्वास्थ्य के खिस्सा में, तो स्वास्थ्य जमीन अगर मुहैया होगा तो हर वार्ड में हम चाहते हैं एक एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बने, लेकिन एक आध जगह हमको जमीन मौखिक मिला है और हमको लगता है कि हम उस मुकाम पर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और हम 11 वार्ड में हमारा कल सपना है जो स्वास्थ्य के सुविधा भी समुचित तरीके से हो। आप सम्मानित मतदाता के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि 8 तारीख के छे मतदान, 8 तारीख की मतदान छे, वही में जनता भगवान हम चाहबे जे हमरा पक्ष में हमरा कलम दबात पर ज्यादा से ज्यादा, चूंकि हमरा बहुत तंग कलके हैं, हम तोरा और बीच नहीं कहलिए, लेकिन सरकारी दिशा को फॉलो करते हुए चाहे नईपुर बहरामपुर का बात हो या कहीं हमने सभी जिला सिकवा को बुलाते हुए जो सरकारी दिशा निर्देश था एक एक कोना में काम किए हैं। और निश्चित रूप से हम जनता भगवान हमको आशीर्वाद दीजिएगा, और हमको तो पूर्ण भरोसा है कि आज कहीं विरोधी इस पंचायत में दिखता ही नहीं है, भाड़ा पर आदमी खोजते हैं और हमारे बीच प्रेम और उत्साह के साथ हमारे साथ जनता भगवान का सैलाब है। हम जब तक हम देर से सोते हैं, जब तक उठते हैं तब तक 100-200 का हमको लगता है भीड़ यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और हमको खींच करके कहते हैं जे भाई कोई जगह पर मैं तू नहीं गेलो हन, तोरा वो खोजे रहतुन चाची मामा दादा, तो तू वहाँ चलो, और हमको ले जा करके उनसे मिलवाते हैं, आशीर्वाद दिलवाते हैं। और हमको लगता है जब हम पूरे तरीका से जनता भगवान हमको लगता है 8 तारीख के मतदान दे करके जो रिजल्ट आएगा एकदम हमको हमारे पक्ष में आएगा। यह बात के साथ जनता भगवान का मैं पुनः आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, भेदभाव नहीं करते हुए आप हम पर विश्वास 5 साल किए हैं, आप पिछले बरस आपका आँख आपका जो कान है सब दुरुस्त था, हमको नहीं लगता है जब आप नहीं देखे होइएगा जब आपके पंचायत में क्या था। और हमको चोर कहता है, हमको तो सरेआम विरोधी कहता है जे की दिलको तोरा, तो हम एक गो बात बतबै छी हम सबके जे भाई हमरा केहन पंचायत दलो, चाहे पंचायत भवन के बात हो चाहे तो सभी 8 गो स्कूल छे हमरा यहाँ, हमरा कौन रूपरेखा हम तू दिलो वहाँ जाए के देखो 11 पंचायत में अगर रूपरेखा नहीं बदलल होता है तो हम सम्मानित जनता भगवान से निवेदन करेंगे कि हमको आशीर्वाद नहीं दीजिएगा। अगर हम आपके विश्वास पर खड़ा उतरे हैं, आप गार्जियन हैं, आप घूम करके देख लीजिए हमारे साथ घूमिए कि नहीं घूमिए, आप मेरे काम का मुआयना कर लीजिए। अगर गुणवत्तापूर्ण और सभी वार्डों में काम नहीं हुआ होगा, सभी आपके लिए और आपके समाज के लिए काम नहीं हुआ होगा, तो निश्चित रूप से अगर किए हैं तो आप हमको आशीर्वाद दीजिएगा। और मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मान शान और आन बान के झुकने नहीं देंगे, एक एक कतरा मेरा आपके लिए होगा जीवन प्रयत्न, चूंकि आपने एक बार तो आशीर्वाद दिया और दूसरे बार भी फिर आपका बहुमूल्य वोट आप हमको देने के लिए जा रहे हैं, तो हम आशा दिलाते हैं, पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आप हम पर विश्वास जिस तरह से किए थे और करिए, हम आपको मॉडल पंचायत के रूप में, आदर्श पंचायत के रूप में जो आप लोगों का सपना है और मेरा सपना है तो उसको साकार मिल बैठ करके करने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को अभी समाप्त करता हूं और आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। तो हमारे साथ मौजूद थे बहरामपुर पंचायत के निवर्तमान मुखिया वर्तमान मुखिया प्रत्याशी निरंजन कुमार ईश्वर। आपने इनकी बातों को सुना, हालांकि आप सम्मानित मतदाता हैं, इस पंचायत के आम आवाम हैं, इन्होंने जो काम किया वह आपके सामने है, क्या यह जो कह रहे हैं वह धरातल पर है या नहीं है, हम उसकी भौतिक स्थिति आपको दिखाएंगे। और साथ ही हम बहरामपुर पंचायत की वह
स्थिति से अवगत कराएंगे जो धरातल पर जो काम इनके द्वारा किया गया है। साथ ही मुखिया पद से बहरामपुर पंचायत में चार प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और हमारे साथ निरंजन कुमार ईश्वर थे और हमने इनसे बात किया। इन्होंने कहा कि जो सरकारी दिशा निर्देश के अनुकूल जो पंचायत में काम दिया गया उससे मैंने धरातल पर उतारने का काम किया और इस पंचायत में विकास कार्य किया। हम आपको बहरामपुर पंचायत की लगातार एक एक भौतिक स्थिति से अवगत कराएंगे और दिखाएंगे कि पंचायत में कितना विकास हुआ, आखिरकार क्या हुआ, धरातल पर है या सिर्फ कागज के पन्नों पर ही सीमित है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए बिहार। कैमरामैन रोहित कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।